माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इनका जवाब दीजिए कि क्या पूरे देश में वैक्सीन मुफ्त नहीं दिया जा सकता? ऐसी क्या मजबूरी है कि लोगों से वैक्सीन के लिए पैसे लिए जा रहे? मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आज तक प्रतिवर्ष 40 करोड़ वैक्सीन देश में लगते हैं, मुफ्त लगाए। एक सवाल है भाटिया जी आपसे, मेरा एक आपसे इससे जुड़ा सवाल है। पूरा देश स्वागत कर रहा है, प्रधानमंत्री ने अपने आप अस्पताल जाकर के वो टीका लगाया जिससे लोग थोड़ा थोड़ा कुछ लोग थोड़ा डर रहे थे, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि अब तक 3 करोड़ लोगों को ये टीका लग जाना चाहिए था, 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा लोगों को लगाया। उसकी वजह यह है कि लोग संशय के मारे, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, वो आगे नहीं आ रहे थे। अगर प्रधानमंत्री ने ये टीका मानिए यही टीका पहले दिन लगा लिया होता तो आज शायद रफ्तार बहुत ज्यादा होती हमारे टीकाकरण की। प्राइवेट वैक्सीन लगे तो 5,000 करोड़ रुपए का आपका इकट्ठा होगा, 50 करोड़ भी लग गए तो ये 5,000 करोड़ का मुनाफा किसका है गौरव भाटिया जी, देश आपसे ये पूछ रहा। और चौथी और अंतिम बात, जो बहुत गंभीर बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने राज्यों की बात और आपने भी राज्य का मुद्दा सौरभ जी उठाया, आज ही अखबार में छपा है DGCSIR का हवाले से ये छपा है कि थर्ड वेव टू बी मोर डेंजरस, ये DGCSIR का बयान है आज के अखबार में। जब थर्ड वेव मोर डेंजरस है तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल टीकाकरण कहते हैं गौरव भाटिया जी, जो कि केंद्र सरकार लाती है, वो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी लॉन्च क्यों नहीं करते हैं? हेल्थ मिनिस्टर साहब को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो लूडो खेलते दिखते हैं। आप बोलिए गौरव भाटिया जी, बोलिए आप अपने पॉइंट पे। आइए, गटर में है तुम्हारा दिमाग गौरव। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, इसकी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी आके क्यों नहीं कहते कि किसी देशवासी को पैसा देने की जरूरत नहीं है? आज होम हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक बात के बोला था 2 जनवरी को, 10 घंटे के अंदर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। अच्छा चलिए ठीक है, ये कह रहे मैं बोलूंगा, मैं एक पैनल कमेंट लूंगा आप दोनों का। चलिए गौरव भाटिया सर करना चाह रहे हो, देखिए विचित्र बात है, जिस पार्टी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले करके डकैत बन के डाके डाले, वो आज डाका डालने की बात करते हैं। मुझे आप बताइए कि जो अमीर है, जो खर्चा वहन कर सकता है, क्यों उसके लिए फ्री वैक्सीन हो? हमारा देश में जब प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी गैस सिलेंडर की, ये हमारे देश की खूबी है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को, ये लोग कहते हैं गरीब है, उनको मुफ्त वैक्सीन मिलना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने खुद स्वीकारा, इन्होंने कहा करोड़ों भारतीय बिलो पॉवर्टी लाइन है, 55 साल सत्ता में रहने के बाद अगर खुशी हो रही है तुम्हें इस वक्तव्य पे, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, किसी भी गरीब को वैक्सीन का रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो समृद्ध परिवार हैं, जो अपनी इच्छा से रुपया दे सकते हैं, अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाके रुपए दे के वैक्सीन लगाना चाहते हैं, तो क्यों बंदिश लगाई जाए, क्यों रोक लगाई जाए? जवाब मिल गया, टीकाकरण अभियान पूरा हो, ये हमारा लक्ष्य है। किसी गरीब को भी जेब से पैसा खर्च के टीका नहीं लगवाना पड़ेगा, उसको सरकार मुफ्त देगी। जो गरीब सौरभ जी, गरीब आदमी फ्री टीका लेने जाए और उसको बोले अगले साल तेरा नंबर आएगा, वो साल भर अपनी बीमारी को सहन करेगा क्या? वो अपने घर के गहने बर्तन लगवाएगा। अब इसे वहम नहीं कहें तो क्या कहें? अब वहम का तो कोई इलाज नहीं है गौरव बल्लभ, बहन का तो कोई इलाज नहीं है। ये नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई एक साल बाद किसी को नंबर मिलेगा? एक सोनिया गांधी जी से कहिए, वो भी आके टीका लगवाए, आप नहीं दे पाए। अरे मैंने आपसे 5 सवाल किया, आपने किस सवाल का उत्तर दिया? आपने उत्तर दिया क्या जब मैंने कहा 36 बोल रहा होता है? शांति रखवाइए, शांति रखवाइए, इसीलिए दिक्कत आती है। रोहित जी, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा होता है ना, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोलता हूँ,
कभी भी आपको फेडर नीचे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे असभ्य लोगों को अपने चैनल पे मत लाया करिए जो अपनी बात तो पूरी करेंगे अपने समय में और दूसरे के समय में भी कूदेंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि उन्होंने अपनी पार्टी की बात मजबूती से रख। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।